चोर और पुलिस की सिर्फ दुश्मनी होती है। कैथल में चोरी की वारदात है, कैथल दहल गया है, लोगों में दहशत है। सर्कस वाला सिर्फ आंखों को नहीं मौत को धोखा देते हैं। काबुल में ISIS ने सीरियल ब्लास्ट करे नुए चोरा ने। सारे भाइयों ने राम राम भाई, मैं उतारा देसी पत्रकार करमू। इस टाइम कैथल में चोरी की वारदात है, कैथल दहल गया है, लोगों में दहशत है। चोरा ने सीरियल वाइज मतलब लगातार चोरी करी है। जब पाछे इस डांट रोड की बात करें, कैथल का डांट रोड तो लाइव जुड़ रहा हूँ, तो इजी डे है। और बीच में जरा मेरी आंगली तम देख रहे हो, आड़े बीच में यहाँ के जो कैथल के जो विधायक हैं लीला राम, उनकी कोठी भी है। उससे ठीक 50 मीटर पीछे इजी डे का शोरूम है, ओडे वारदात हुई है। एक मेडिकल, यानी कि चोरा ने मेडिकल स्टोर को भी निशाना बनाया है। चोर ने रेडीमेड गारमेंट शोरूम को निशाना बनाया है, अंडर गारमेंट्स के शोरूम को निशाना बनाया है, इजी डे को निशाना बनाया है। 5 जगह वारदात हुई है। हालांकि एक चोर गिरफ्त में भी है और कुछ इनपुट डॉक्टर साहब के पास हैं। तो इस टाइम आप देख रहे हो कैथल का जनता मेडिकोज पर चोरी की वारदात हुई है। आप ये जो हालात है इस आप अंदाज़ा लगा सको हो भी चोर चोरा का जो मतलब मैंने बार बार लिखा सातिर चोर पार्ट 3 है, हम लगातार दिखाने लग रहे हैं। 5 वारदात हुई है, तो मेडिकल स्टोर को भी निशाना बना दिया गया। इसके ओनर हैं डॉक्टर दिनेश एक बराजो जी। किस टाइम कुछ इनपुट डॉक्टर साहब को सबूत हाथ लगे? सबूत तो सर ये क्या नाम है, हमने फुटेज देखी अभी, उसमें 5:15 बजे के आसपास का है। सुबह सुबह जी, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में चोरी करिए, सुबह रे सुबह करके सुबह सुबह फुटेज में आया हुआ है। लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई मतलब बात ही नहीं है कोई। और आप आड़ते जुमा, मैं मतलब आड़ते 100 मीटर की बात करूँ, 100 मीटर भी शायद ज़्यादा हो जाएगा, 50-75 मीटर पर DC रेजिडेंस है जो अपने कैथल के DC हैं। तो CID तंत्र कड़ा है, क्राइम ब्रांच कड़ा है, और किसी ने अनुमान भी कौन होगा भाई चोर मेडिकल स्टोर पर भी चोरी कर लेंगे। तो यहाँ एक बार बताओ जी, किस टाइम सुबह 5 बजे 5:10 पे हुई है जी एग्जैक्ट, मेरे कैमरे में आई हुई है। हाँ। 4 लड़के हैं, स्विफ्ट गाड़ी है, व्हाइट कलर की गाड़ी है, 5 मिनट के अंदर वो सारा काम करके चलते बने। मतलब आपने लगे हुए नशेड़ी है का एक्सपर्ट है ऐसा है जी, यंग लड़के हैं, 20-25 साल 18-20 साल के हैं, तीनों चारों पूरा कपड़ा बांध रखा, पूरा कवर कर रखा है मुंह पे और उसको। फिर देखो हालांकि मैंने कह नहीं चाहिए, लेकिन एक चीज एक और सवाल है इसमें, बेरोजगारी जी, बेरोजगारी होगा तो आज ये बात बोले मरता क्या नहीं करता, लेकिन हम नू को नहीं कहते भाई आप चोरी की वारदात करो, ये बहुत खतरनाक विषय है। नशेड़ी भी हो उसके हैं, लेकिन जिस तरह इन्होंने कहा यंग एज वाले हैं, उनका जो ब्रेन है माइंड वाइज पतले पतले से लड़के हैं जी, बिल्कुल 18-20 साल के हैं, मेरे कैमरे में आई हुई है बिल्कुल। आप दिखाओ ना फुटेज। हाँ अभी दिखाओ, देख लें फुटेज, देखेंगे भाई। फिलहाल पीछे जो अंबाला रोड पता उड़ता हूँ, DVR भी लेके बैठ गए, कैमरे भी लेके तोड़ गए, उड़ में कुछ नहीं दिखना था। 3-4 साल पहले जब भी वो हमारे कैमरे लगे हुए थे, कैमरे फाड़ के लेके थे तब तो। अच्छा, नुकसान का क्या अनुमान है? अंदाजा 20,000 रुपए के आसपास कैश था जी। अच्छा। बाकी सामान तो अभी चेक नहीं करे क्या क्या उठा के ले जा सके, मतलब सिर पेट की गोली इस तरह का कुछ मामला तो ऐसा क्योंकि मैं तो इस बात कह रहा हूँ, देखो कैश का तो एक अलग मामला है डॉक्टर साहब, लेकिन जब वो दवाई भी ठाण लगे फिर चोरा का लेवल जमा, मैं इस बात कह रहा ना चोर किस हद तक जाऊंगे जब वो दवाई भी ठाण लगेंगे तो ओडे तो कच्चे ठहलिए अंडर गारमेंट्स का जो था ना कच्चे भी लेके ठाके उठाए। देख के आया हूँ पूरा का पूरा जो हैंडल जो उसका लटके हुए थे ना, ऐसे के ऐसे उठा के ऐसे के ऐसे रखा हुआ है, यानी कि उन पर कोई बड़ा साधन भी होगा। हैंगर में टंगे हुए थे ना सारे जितने भी कपड़े, वो पूरा का पूरा हैंगर उतार के लेके गए हैं उस दुकान में। वो पैसे जिस तरह वो था ना पूमा वाला शोरूम के साथ में, और तो वो पर्स भी लेगे पीछे भी लेगे, पर्स नए भी लेगे पीछे भी लेगे, और हाँ सामान भी लेके उठा। नहीं गाड़ी में तो इतना सामान नहीं है, लेकिन उसमें वहाँ देखना पड़ेगा ना वही वाली गाड़ी है कि कोई और गाड़ी है। उनका तो वो कैमरे लेके ना DVR भी लेकर कैमरे भी सबूत के लिए जो इसी डे के हैं, जो ताले टूटे हुए हैं वो आमने सामने कैमरे तो लगे ही हुए हैं, प्रधान वाले के लगे हुए हैं। तो बिल्कुल नहीं समझे, बिल्कुल नहीं, जब पुलिस अपनी आप आओ तो कुछ भी बिल्कुल, हालांकि पुलिस ने बेरा भी हो चोर कौन है यार। एक कुत्ता जब ढूंढ सकती है, जब MLA किसी का कुत्ता गुम हो जाए तो वो ढूंढ सकती है, तो चोरी नहीं ढूंढ सकती यार। एक बार दिखाओ आप फुटेज में चोर दिखेंगे, एक बार देख लेते हैं, और ये सबूत शायद पुलिस प्रशासन तक भी पहुंचेंगे। आपकी दुकान में तो कुछ होया? नहीं नहीं, चलो आ जाओ डॉक्टर साहब, आप साथ में आओ, नहीं तो आप वाला आ जाओ निकाल रहे हैं दिखाओ। इस टाइम आप
शुक्र है डीवीआर ने कौन ले गए अच्छा कर लो जी चलो हाँ कोई नहीं चलो पीछे पीछे थोड़ा अमित थोड़ा पीछे हो जाओ मैं इतना कर लो साइड आप बता दियो जी साइड तो डॉक्टर साहब पीछे भी चोरी हुई थी पहले भी 3-4 साल पहले भी थी जब 1.5-2 लाख रुपए का काम हो गया तो मैं हैरान इसलिए हूँ सुबह 5 बजे बता रहे हैं सीसीटीवी फुटेज में 5:15 बजे के आसपास चोर आए स्विफ्ट गाड़ी में और व्हाइट कलर की थी व्हाइट कलर की तो ये देखो किस तरह अंजाम दिया चोरों ने ये आप देखोगे मैं बता रहा था ये जो पत्ती आ रहा है या भीतर जाए होगा इसका है सारा खेल यह जो पत्ती है इसने ये जिस तरह नीचे बारी लगाई होगी उठा दिया और यह पत्ती बाहर आ गई तो शटर खुल गया फिलहाल जो एक हाँ ये निशान आप देख रहे हो ये निशान आप देख रहे हो अलग अलग और ये आप देखो आड़ तो मतलब मान लो शटर ने थोड़ी आकड़ पैड़ी होगी तो आड़ा और ज़्यादा उकसा दिया यू ताले हालांकि नुके नु है ताले बंद हैं ताले बंद है ये चोरी की वारदात ये देखो आप ताले बंद हैं बीच में बारी लगाई उठाया और चोरी की वारदात कर दी लेकिन चोरों का लेवल देखो मेडिकल स्टोर पर के दवाई लेना हो दिन में इसका मतलब देखो बेरोजगारी तो मैं बता रहा था इसके अलग अलग नशा भी एक कारण है और चोर जब वारदात ना अंजाम दे तो कई बार वो दिन में रेखी करके जाया करें मैं सारे दुकानदार भाइयों ने कहूँगा थोड़ा सा सावधान रहो चौकस रहो आपने कोई विवादित और इस तरह का कोई चेहरा नजर आवे या फिर सस्पेंस हो तो आप उसकी शिकायत तुरंत पुलिस ने दो हालांकि पुलिस द्वारा 112 नंबर की जो योजना चलाई गई है बस हाँ एक काल दूर फोन ही नहीं मिला ना सुबह मैंने मिलाया एक ब्रेकिंग न्यूज हो रहा है भाई 112 चलो अच्छा 112 नंबर पे कॉल करी हाँ जी मिला नहीं उस पर फिर दोबारा हमने कई बार ट्राई किया फिर उसके बाद 100 नंबर मिलाया फिर उस पर आए फिर आए थे चलो फिर 112 नंबर पर सवाल है हमारा और पास में मंदिर है लेकिन चोरा ने इस बात का क्या मतलब है चोर तो वो काम है बिला भीतर गए तो भंडारा खत्म बाहर आए तो जूते गायब तो भीतर तो भंडारा खत्म पाया रहा उनका तरह उनके तो कहने का भाव यू है भाई उनने कोई सारोकार नहीं संस्कार संस्कृति और उस तय उन्हें तो सिर्फ काम करना चोरी और तो फिलहाल अच्छा आपने शिकायत कर दी अच्छा लिख के नोट करके ले गए वो बाकी कह रहे थे कंप्लेंट आके दफ्तर में आके करवा देना हाँ जी एक मिनट आ जाओ निकली DVR पे थी हाँ जी आगे चलो आ जाओ थोड़ा हाँ राम राम भाई राम राम सबूत दिखा देते हैं क्योंकि DVR और वो चीज़ें गायब हैं फिलहाल जो ब्रेक लाए हैं वो चोरन लाए हैं जो चोर हैं चोर आए और धूम फोर करके और बल्कि धूम फाइव करके क्योंकि ATM पैटे थे जी धूम फोर थी और ये लगातार कैथल में बहुत सातिर चोर घुस रहे हैं और वारदात इतनी तकड़ी हो रही है जिसकी वजह से जिस तरह ISIS ने काबुल में सीरियल ब्लास्ट करे हैं नुए सीरियल वाइज चोरी हुई है कैथल में जब कैथल का भगत सिंह कॉलोनी की हम बात करें तो उसमें एक घर में रात ने 27 तारीख की रात ने 1:30 बजे 10 तोड़े सोना चोरी हो गया कैथल में आप पीछे मेरे देख रहे हो पूमा का शोरूम है इसमें चोरी हुई है एक मेडिकल स्टोर पर शोरूम मेडिकल जो स्टोर है उस पर चोरी हुई है पार्क रोड है जो कैथल का उस पर चोरी हुई है जो मेरा सज्जा हाथ का नहीं 16 हाथ का नहीं बात करूं मैं एक बार कैमरा मैन ने कहूँगा उन्होंने घुमाए दो 16 हाथ का नहीं करूँ तो सिविल लाइन थाना है और मेरा खब्बा हाथ का नहीं करूँ तो उड़ान कर दे भाई एक बार अमित उड़ान कर दे जय अगले अगले शेयर कर दे रही हो जय पेवा चौक की तरफ बात करा तो सिटी मतलब पार्क रोड की तरफ सिटी थाना महिला पुलिस थाना पुलिस लाइन SP निवास DC रेजिडेंस और सारे के बीच में यानी कि पुलिस प्रशासन की नाक तड़ है चोर आए और धूम फाइव करके फिलहाल लोग मौजूद हैं तो उन पर पूछेंगे किस टाइम की वारदात है और इसने जिला का जहाँ तक शेयर करियो क्योंकि यह वारदात आज इनके लोही है पुलिस को और प्रशासन को और नेताओं को जब अलर्ट नहीं कराया तो ये चोरी की वारदात होंगी रहेंगी फिलहाल संदीप भाई ने मेरे को सूचना दी थी फोन आया था इनका शोरूम है पहले राम राम कर दो जी राम राम भाई सब सभी भाइयों को राम राम संदीप भाई हालांकि मैं नू भी नहीं पूछ सकता आपने क्या हाल चाल है क्योंकि चोरी हो रही हो जिसका हैं अरे को लाला जी वाली बात है किसी के चोरी होगी बोला लाला जी बोला कितना का नुकसान हो गया आंधे भुगड़े खांदे रहेंदे बोला वह होने लग रहा है तो फिलहाल जो आपके लिए जो घटना घटी कैब जी की बात है बताओ एक बार
ये मेरे पास सुबह 6:30 बजे के आसपास फोन आया था किसी का, जानकार का, मेरे पड़ोसी का। अच्छा। तो उन्होंने ऐसे ऐसे मेरे को सूचना दी कि ऐसे ऐसे आपकी दुकान का ताड़ा टूटा हुआ है। तो फिर मैं जैसे ही आया तो मैंने देखा अपने पड़ोस में एक दुकान है उसका भी और अपने वाली दुकान का ताड़ा, दोनों ताड़े टूटे हुए थे। अच्छा। और ये पत्तियां जो है मुड़ी हुई थी। अच्छा। तो फिर उसके बाद हमने पुलिस को फोन किया, पुलिस आई थी और अपना कह रहे हैं आप एक बार सिविल लाइन थाना में आके कंप्लेंट दे दो, वो हमारे पास आए थे। एक बार है ना भाई, एक बार चला के देख लो, एक बार आवाज का, एक बार कोई मैसेज तो नहीं रहा साउंड का, साउंड ओके नहीं। चलो मैं बता दूं चोरी की वारदात, जो चोर है उनके तरीके के क्यों हैं। हालांकि ज्यादातर जो लाइट चली जाओ रात में उस अंधेरे का फायदा चोर उठावे हैं, और जो लोग थोड़ा बहुत देखो नुकारा स्मोकिंग खतरनाक कुकर है, जब कोई ड्रिंक करके पड़े हों तो ओडे चोरी की वारदात ज्यादा होंगी। और कई बार चोरी की वारदात जब भी ज्यादा हो, जब जड़े प्रशासन की जो जो लापरवाही है वो ज़्यादा हो, तो फिलहाल प्रशासन की तरफ से भी फोन आ रहे होंगे। मैं एक बार इतना संदीप भाई तो बात करांगे, इतना एक बार दिखा दूँ मैं, ये जो आप देख रहे हो यूँ ये चोर जो हैं, हालांकि नुगारत जो ताड़े हुए हैं कुत्ता बिल्ली खतर हुए हैं, चोर खतर को नहीं होते हैं, कुछ नहीं उन खतरे। यूँ अड़ते ही मैं उकसाया यूँ, फिलहाल एक बार दिखा दो, एक बार आगे आ जाओ, आगे आओ दिखाओ, गला गला शेयर करते रहिए भाई। ये देखो हैं, हाँ ये शटर, अच्छा 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 ये देखो भाई शटर उकसा रखे, ये देखो अरे देखो आप। अच्छा संदीप भाई कहाँ गए संदीप जी, अच्छा बात कर रहे हैं। तो उसमें नहीं सीसीटीवी फुटेज में नहीं कुछ कह दो यार, सीसीटीवी फुटेज तो वो डीवीआर ही लेके जी उठा, अच्छा डीवीआर लेके, हाँ चलो देखो, हाँ ये देखो एक और नई जानकारी है, जो डीवीआर है वो भी ले गए हुए जहाँ तक मैं कहूँ सात्र चोर, और कैमरा का जो फेस है इसका नहीं कर दिया, इसमें दिखेगा तो क्या दिखेगा, काला काला। और आप अंदर भी चलाएंगे एक बार संदीप जी, एक बार भी इधर का, और कितना क्या क्या को नुकसान वगैरह कितना, नून घुमा दे हमें एक बार, नून घुमा दे, नून घुमा दे भाई, चलो जी आ जाओ। प्यूमा का शोरूम है भाई, और लाइट वगैरह कर लूँ, लाइट ऑन कर तो कितने क्या आशंका कैश वगैरह, कैश इसमें कोई हमारे मैनेजर है इन्होंने बताया भाई 20-25 हज़ार के आसपास, हाँ कितना था, हाँ 20-25 हज़ार के आसपास कल कैश था, मतलब कल की सेल का जो कैश था हमारे पास वो पड़ा था 25 हज़ार कैश, हाँ। और बाकी कपड़े का भी हमने पूरा आंकलन नहीं किया, मतलब काफ़ी महंगा, यहाँ थे यहाँ ड्रेस थी जो ये खाली पोर्शन था हम देख रहे हो भाई, आड़ा आप देखोगे स्मॉल साइज, यानी कि उन मतलब है नहीं नो कैश को सारे डाल के चोर थे, मिक्स थे स्मॉल साइज वाले भी और मीडियम वाले भी लार्ज वाले भी, इस तरह नू भी हिसाब लगा उसको, अब भी चोर की जो कैटेगरी है जैसे सिर्फ मीडियम का ठान दे तो नो कैश कहाँ था भाई, मीडियम वाला जो साइज है उस टाइप के स्मॉल मीडियम लार्ज सारा लेके ठहक है। और ये देखो आड़ते उड़ाना ही एक बार अमित, ये पोर्शन खाली है, आड़ते उठाए हैं, आड़ते उठाए हैं, और यानी कि इधर शर्ट की है ना सारी इधर, हाँ ये देखो भाई यानी कि उन है नी पहले यहाँ कैश ठाया है, उसके बाद फिर जानते जानते नू विचार आया सामान बिठा लिया तो वह फिर हैं, अच्छा यहीं रख गए, अच्छा ये हाँ ये देखो भाई ये कृष्णा मिष्ठान भंडार का है थैला, यू आड़े छोड़ गए मैं, हालांकि नू का हर भला चोर कितना छाने को सबूत छोड़ रहा है लेकिन जैन का छोड़ दे हैं, ये आड़ा तो देखो भाई ये बिठा लिए, यानी कि यदि इसकी जो कॉस्ट करी जाओ 8,000 एक टी शर्ट जो है और लोअर जो है अप्रोक्सीमेट 8,000 5,000 4,000 तो ऐसे है, काफी महंगा सामान है आपको पता ही है, चलो यानी कि लाखों का सामान उठा लिया है और 55,000 के लगभग कैश था, अच्छा और आना जो एक बार और चोरी कहाँ हुई संदीप जी, और अपने पड़ोस में ही है ये जैन साहब के हैं जो पड़ोस में जो अंडरगारमेंट्स का काम है इनका, हाँ जी साथ वाली दुकान में, अच्छा आज टोटल 3 दुकानों के सुनने में आया भाई ताड़े तोड़े गए हैं, एक कुरुक्षेत्र रोड पे डांड रोड पे अपने जो है वहाँ पे केमिस्ट की दुकान है, सुनने में आया मेरे को ऐसा कि उसके भी ताड़े तोड़े गए, तो 3 दुकानों के टोटल चोरी हुई है कैथल में, आप मिलका है किसी प्रशासनिक अधिकारी, नहीं मैं बस फोन किया था मैंने, मैं गया तो किसी के पास नहीं, अच्छा विधायक जी के पास गए थे कुछ लोग गए हैं अभी बात करके आए हैं, हम उस पर कुछ उचित कार्रवाई करते हैं। तो फिलहाल जो आड़ा है मतलब जो कैमरे थे कैमरे डीवीआर कहाँ लग रही थी अपनी,
डीवीआर में जो प्रूफ थे प्रूफ भी गले ले गए साथ ही ये अरे डीवीआर धरा था भाई वो डीवीआर तार काट के डीवीआर तार ये तार आप देख रहे हो इस टाइम दिख रही है ना भाई अच्छी तरह ये तार काट दी ले गए सबूत यानी कि गले ले गए ध्यान से देख तो फिलहाल अच्छा यहाँ से कैसे ले गए तो इसमें लोक नहीं था नहीं लोक चाबी आसपास ही रहती है तो यहाँ रख देते हैं इसके नीचे रख देते हैं तो कई बार इसमें था कैश जो सारा पर्स थे इसके अंदर जो जैसे काफी महंगे पर्स थे तो वो एक दो भी गायब जैसे ही ऐसे ऐसे कुछ पर्स थे तो वो गया 4000 के आसपास के कुछ दिन चोर हैं पूरा वीआईपी ड्रेस में घूमेंगे कुल मिला के क्योंकि लोअर टी शर्ट पर्स और एक आधा को परफ्यूम भी होगा आपका इसमें अच्छा शूज वगैरह तो नहीं लेंगे चेक करना पड़ेगा कितने गायब चलो बाकी उनने कुछ पीछे लाने थे भाई आगुना जीएसटी कटवाना था उनका तो रिफंड का मामला कुछ ले जो उठाएगा साइड वाली दुकान कौन सी बताइए एक बार दिखाऊं चलो जैन साहब से पूछ लेते हैं एक बार ये वारदात हो लगातार और जहाँ तक हूँ मैं सावधान रहो चौकस रहो और अपना ये देखो आप ये देख लो भाई आलिए जैन साहब हाँ जी जैन साहब ये सेम टाइम आपका उसमें भी कैमरे कुमरे होकर जगे कैमरे तोड़ गए ये देखो भाई से तोड़ के ले गए ये देख लो कैमरे का फेस उस साइड कर दिया और उस दुकान प्यूमा वाला का डी नहीं इधर का कैमरा ले गए हैं तोड़ के कैमरा ले गए वो देखो देखो एक बार दिखा दूं मैं ये देखो भाई कैमरा गायब और ये दो शटर हैं आप देखोगे क्या आ रहा है एक बारी आ रहा है वो बारी इस पे लगाऊंगे नीचे और ठा गए उन्हें उकसा दे यानी कि मैं फिर दोबारा कहूँगा चोर खातर मतलब जो ताले हुए हैं या फिर जो जेड सिक्योरिटी ला लो अपने दुकान वाले की वो कुत्ता बिल्ली खातर है चोर खातर को नहीं चोर पर लगाम लगा सके प्रशासन कानून व्यवस्था मजबूत होगी तो दूर घुमा क्राउड में हो गया थोड़ा चलो भाई थोड़ा सा क्राउड ना करो थोड़ा सा साइड दूरी बना लो आ जा भाई लिया हो रहा है ओके चलो भाई बता रहे थे वो गोदरेज दिखाओ जी आप चौकस हो लिया भाई क्यों सोचा भाई बहुत बढ़िया तरीके के ताले ले आऊं गोदरेज के ताले आप देख रहे हो और असली जो मामला है वो होगा प्रशासन की मुस्तैदी है क्राइम ब्रांच वाले तुम्हारा सवाल है जो क्राइम डीजी है उन तुम्हारा सवाल है जो अपने गृह मंत्री अनिल विज साहब उनका सवाल है हरियाणा के मुख्यमंत्री जीता तो सवाल जाए तो कौन क्योंकि सीएम विंडो लावे हैं लोग वह विंडो भीतर चाहे तो बंद पावा है चाहे उसकी चिटकनी खुद ही टूटी पावा है तो फिलहाल हम गृह मंत्री जो गब्बर जिसने कमाया हरियाणा का उन तो अपील कर रहे हैं भाई ये जो चोरी की वारदात होने लग रही है तो और इधर आप देखोगे तो आड़ा देखो आप आड़े नांग लाना पड़े हालांकि ज़्यादा क्योंकि यू काफ़ी अच्छा प्रबंध कर रखा था लेकिन उसके बावजूद उन चैलेंज एक्सेप्ट करें